बसमिल आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर पोइम लास्ट पोईम है नंबर ये फर्स्ट ईयर की लास्ट आ, पोईम है, पोईम 20, आ, सबसे पहले इस नज़म का खुलासा थोड़ा सा उर्दू में डिस्कस कर लेते हैं कि इन ब्रोकन इमेज का मतलब क्या है नामुकम्ल तस्वरा में लफजी मानी है नामुकम्मल तस्वरत में इसके अगर हम लोग आ, समरी का अगर हम लोग डिस्कस करें कि उर्दू समरी क्या है इसकी कि इसमें शायर जो है वो क्या कहना चाहता है तो इस नजम में अः शायर जो है वो जिंदगी के मामला के बारे में सोचने के दो अंदाज का जिक्र करता है एक शख्स जिंदगी के मामला का तनकीदी जायजा नहीं लेता बल्कि जैसे ही कोई मामला होता है वो उसको उसी तरह से कबूल कर लेता है और वो शख्स उसी तरह से अपने जहन से कुछ काम नहीं लेता और वो सुस्त होता है और उसकी सारी जिंदगी के मामला की समझ बोझ जो है वो तनकीदी नहीं होती जबकि शायर जिंदगी के मामला का तनकीदी जायजा लेता है और बड़ी सोच विचार के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है शायर हर चीज के मस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लेने के लिए बड़ा तजस में मुबतला होता है और उस तरह से उसकी अः जहनी सलाहियतों भी जो सलाहियतें हैं उसमें भी नशो पाती हैं तो आखिरकार शायर इस नतीजे पर पहुंचता है कि तनकीदी जायजे के बाद जब आदमी किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो ज्यादा फायदा मंद होता है इसलिए जरूरी है कि हमें किसी बात को हतमी और यकीनी तौर पर दुरुस्त नहीं मानना चाहिए इंसान को जिंदगी के हकायक के बारे में और फिक्र करते रहना चाहिए यहाँ पे टू वे कॉन्सेप्ट है ठीक है जब हम नज़म शुरू करेंगे इसके टेक्स्ट दो दो लाइंस आपको नजर आ रही होंगी ये पेयर तो दोनों कॉन्सेप्ट चलाएगा कि शायर क्या सोचता है जबकि वो दूसरा आदमी जो कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं अपनाता ठीक उस उसके बारे में फर्स्ट लाइन होगी और दूसरी लाइन जो है वो पोइट अपने मतलब के, के मैं जो है वो उस चीज को कैसे लेकर चलता हूं तो आए हम लोग इस जो पोईम है इसके टेक्स्ट का को जो है वो स्टार्ट करते हैं ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेज मीनस के वो वाजिया तस्वर बनाने में तेज है आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज मैं ब्रोकन इमेज यानी नामुकम्मल तसवरात बनाने में सुस्त हूं अब मैंने बोला कि ये जो है वो दो दो लाइन्स हैं तो पहली लाइन में शायर उस आदमी का जिक्र करता है जो कि तनकीदी जायजा नहीं लेता किसी भी चीज का चीजों को नॉर्मल तरीके से बस चलने देता है जबकि शायर अपना बताता है ठीक है अब यहां पर इन दो लाइनों में क्या वो एक्सप्लेन कर रहा ऑफ थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस सो ही रीड्स द कंक्लूजन क्विकली बट इट डिस्ट्रॉयज ग्रोथ ऑफ हिज मेंटल फैकल्टीज कि वो किसी नतीजे पर बड़ी तेजी से पहुंच जाता है ठीक है कि, कि वो किसी नतीजे पर बगैर किसी सोच विचार के पहुंच जाता है किसी चीज के बारे में फैसला बड़ी जल्दी ले लेता है जिससे क्या होता है कि उसकी जो जो मेंटल अप्रोच है जो उसकी मेंटल एबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, जबकि शायर क्या करता है कहता आई एम स्लो ठीक है The poet thinks in broken images, so he is slow इन रीचिंग द कंक्लूजन कहता कि स्लो मैं किस तरह से हूँ कि मैं चीज़ों को क्रिटिकल उसका एनालिसिस करता हूँ ठीक है लिहाजा मैं ऐसा ऐसा चीज़ों को आगे लेकर चलता हूँ But this process दिस his mind. लेकिन इस कहता ये बेशक मैं स्लो किसी चीज के बारे में हूँ लेकिन इससे क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है मेरी जो सोचने की एबिलिटी है वो तेज होती है अल्टीमेटली जिससे मेरा माइंड जो है वो शार्प होता है He becomes dull, trusting to his images. अगर, में क्या कहता है कि वो अपने कायम किए हुए वाज तस्वर पर भरोसा करते हुए सुस्त हो जाता है आई बिकम शार्प my माई ब्रोकन कि मैं अपने कायम किए हुए जो तस्वरत है उन पर भरोसा ना करते हुए तेज हो जाता हूँ। ठीक है

वही बात कि उसका क्रिटिकल जो अप्रोच है वो तेज होती है ट्रस्टिंग इज इमेज ही अज्यूम देअ रेलिवेंस ठीक है लाइन नंबर फिफ्थ में बोलता है कि अपने तस्वीरात को मौजूद समझते हुए वो उनकी हकीकत को इख्तियार कर लेता है ठीक है अजीम से मुलाकम आने जाता है किसी चीज़ को आ, मतलब आ, आ, फर्ज कर लेना आप ठीक है यहाँ पे जो है वो इख्तियार कर लेना के माना में भी आएगा रेलिवेंस मीन्स जिसे ियत बोलते हैं रब्त बोलते हैं अप्रोप्रिएटनेस इसे हम कह सकते हैं मिस ट्रस्टिंग आई और शायर कहता है कि उनकी मौजूनीत पर शक करते हुए मैं हकीकत को जानता हूं अब इन दोनों इन्होंने का मकसद क्या है क्या वो कह रहा है दोइ दैट टेक्स फॉर ग्रांटेड द रेलिज क्लियर इमेजेस ही

नंबर फोर्थ पैराग्राफ है अज्यूमिंग देयर रेलिवेंस ही अज्यूम्स द फैक्ट क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस आई क्वेश्चन द आई क्वेश्चन द फैक्ट मीन अगेन वही बात कि यहां पर शायर जो है इन दो जो स्टैंजास हैं इनमें तकरीबन एक ही बात वो कहता है हकीकत की बात करता है कि शायर जो है कि मतलब जिन जो अफेयर्स ऑफ आफ लाइफ है जिंदगी के मामलात हैं उनको वो एज इट इज मान लेता है जबकि पोइट जो है वो इस पर क्वेश्चन करता है कहता आई क्वेश्चन द फैक्ट अगर हकीकत उसके सामने कोई आई है तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है यानी उसके ऊपर नहीं कि हकीकत उसके सामने आ गई है तो दैट्स ऑल उसको मान ले मान लेते हैं बल्कि मानता नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन करता है अगेन उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करता है जिससे उसका जो सोचने की अप्रोच है वो क्या होती है शार्प होती है वे द फैक्ट्स फेल हिम कि जब वो हकीकत को मानने में नाकाम हो जाता है ही क्वेश्चन तो वो अपने हवास के बारे में सवाल करता है वेन द फैक्ट फेल्स मी जब मैं हकीकत पाने में नाकाम हो जाता हूँ आई अप्रूव माई सेंसेस तो मैं अपने हवास की तस्दीक करता हूँ मीन्स शायद यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि हिज कॉम्पेनियन फेल्स टू वेन हिज कॉम्पेनियन फेल्स टू रीच द कंक्लूजन एंड फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ लाइफ ही बिकम्स डाउटफुल ऑफ दैलिडिटी ऑफ हिज सेंस होवर द पॉइंट हैजिफरेंट व्यू

इन जो ब्रोकन इमेजेस हैं ठीक है उनको कायम करने में तेज हो जाता हूं कि कहता द पोइट इज वेरी स्लो इन हिज प्रोसेस टू रीच द कंक्स बट ही विद हिज एफर्ट्स सो दैट हिज मेंटल एबिलिटीज बिकम शार्प ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज मिस अंडरस्टैंडिंग आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग कि वो अपनी समझ बूझ के बारे में नई उलझन का शिकार हो जाता है आई इन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंक्लूजन और मुझे अपनी उलझन में एक नई जो है वो फरासत का अदलाक होता है Means, यहाँ पर शायर के कहना चाहता है द पोइट इज दैट हिज कंपेनियन हिज फ्रेंड रिच इज द कंक्लूजन वेरी क्विक बट हिज क्विक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स कन्फ्यूजन फॉर हिम बिकॉज ही हैज नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैनर द मैटर शायर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वो जो है जो शायर जो शायर का कंपेनियन है ठीक है वो क्या है कि वो अपने कंक्लूजन पर नतीजे पर बड़ी जल्दी पहुंच गया है किसी नतीजे पर बहुत जल्द पहुंच गया है क्यों बिकॉज ही हैज नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैटर क्योंकि उसने किसी भी मामले की जो है वो छानबीन नहीं की बट द पोईट प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द मैटर वेरी स्लोली लेकिन शायर जो है वो क्या करता है कि जब वो किसी मामलात की तरफ जा रहा था तब तो वो बड़ा स्लोली स्लोली अप्रोच कर रहा था जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ते आए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर इज कन्फ्यूजन फ्री जिसका नतीजा क्या निकला कि वो चूंकि छानबीन करके चल रहा था लिहाजा किसी भी जगह पे उसे किसी कोई जो है वो कन्फ्यूज का शिकार नहीं हुआ तो ये थी पोइम की नजम उम्मीद है आपको ये क्लियर जो है इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑफ टू वन ट्रस्ट इमेजेस द अदर ब्रोकन इमेजेस कि उन दो शख्स अशास की क्या कैफियत है एक वो जो वाज तस्वरत पर यकीन रखता है हमने यहाँ पर देख लिया कि दो लोगों की बात हो रही है एक वो बंदा जो कि वाज तस्वरा रखता है दूसरा वो जो कि वाज तस्वरत नहीं रखता तो एक शख्स जो अपने वाज तस्वरत पर अंधा धुनाद करता है वो उनके अच्छे और बुरे पहलुओं का अंदाजा लगाने में नाकाम हो जाता है इसलिए वो सुस्त और गैर मुस्तैद हो जाता है जबकि दूसरा शख्स अपने गैर वाजह तस्वर पर अतमाद नहीं करता और वो अपनी जहनी सलाहियों का इस्तेमाल करता है और अपने नतीजे पर आहिस्सा से अपनी मेंटल एबिलिटी पर काम करते हुए पहुंचता है वाईड डज अ पर्सन क्वेश्चन कि जब हक़ उसे नाकाम बना देते हैं तो वो शख्स अपने फरासत पर क्यों शक करता है तो एक शख्स जो मुकम्मल तौर पर मामला के वाज तस्वर पर इहसार करता है बाजुकात तो वो किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम हो जाता है ये चीज़ उसकी उसको जो है वो डिसक्रेज करती है और वो अपने जो फरासत की माकुली के बारे में मशकूक हो जाता है इसको अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँ अब अ परसन हु, आप,

The poet's friend is overconfident, so he considers it unnecessary to uh, shift the matter and tries to reach the conclusion very quickly. However, his quick misunderstanding creates confusion for him later on. अगर हम इसके क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है एक सर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ़ द पोइंट कि इस पूरी नज़म का जो है वो ख़लाकी सब क्या है तो इखलाकी सब इस एक जो है इसका बिल्कुल वाजह है कि शायर हमें सबक देता है कि हमें चीज़ों या तस्वरत पर अंधा जो है वो यकीन नहीं करना चाहिए बल्कि चीज़ों को उनकी हकीकत को मालूम करने के लिए मामले की गहराई तक जाना चाहिए ये ना सिर्फ आ आ आ जो है वो तला हकीकत तलाश करने में हमारी जो है मदद करेगा बल्कि हमारी जहनी सलाहियतों को भी बढ़ाएगा देट्स दी पॉइंट के वो चाहता है कि इंसान अपनी जो है वो मेंटल एबिलिटी क्रिएटिव एबिलिटी का काम करे बस ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर जो है वो प्ले नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज